हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है, द कंप्लीट सिलेबस ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अब अगर मैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करूं, तो मैंने यही देखा है कि जो गेट कंप्यूटर साइंस या फिर जो नेट के एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, उसमें जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, पूरे सब्जेक्ट को स्टडी कर लेते हैं इजिली। और जब इस सब्जेक्ट की बारी आती है पढ़ने की, तो वो सोचते हैं कि हम लास्ट मोमेंट पे इसको अटेम्प्ट करेंगे। और लास्ट मोमेंट पर अटेम्प्ट करने के चक्कर में कई बार ये देखा गया है कि ये सब्जेक्ट स्किप हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसके अंदर जो टर्म यूज किए गए हैं, वो टर्म थोड़ा ट्रिकी है। तो स्टूडेंट्स बस उसी टर्म की वजह से सोचते हैं इस सब्जेक्ट को हम लास्ट मोमेंट पर अटेम्प्ट करेंगे। और दूसरा रीजन इसका क्या हो सकता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो बात किया गया है ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, मीन्स यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर फील्ड की भी बात की गए हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे जनरली मैं यही देखा हूं, इसका मतलब होता है वर्किंग। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो वर्किंग, और आर्किटेक्चर मींस डिजाइनिंग, मींस वर्किंग और डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं वर्किंग की बात करूं, तो वर्किंग जनरली क्या हो सकते हैं मेरे पास? अगर मैं सीपीयू की बात करूं, मेन मेमोरी की बात करूं, उसके अलावा साथ साथ मैं कंट्रोल यूनिट की बात करूं, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो जनरल हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और बस उसके बारे में हमें समझना है। तो ये टर्म मेरे पास वर्किंग के अंदर आ गया। अब अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूं, तो डिजाइनिंग के अंदर जो मेरे पास टर्म आ रहे हैं एड्रेसिंग मोड का, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन सेट्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स का, तो ये कुछ जो टर्म है मेरे पास वो डिजाइनिंग के अंदर देखे गए हैं। तो बस यही रीजन है कि वो इस सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं लास्ट में, और लास्ट मोमेंट को स्किप करने के चक्कर में ये सब्जेक्ट पूरी तरह से छूट जाता है। तो अगर आप गेट क्वालिफाई अच्छे नंबर से करना चाहते हैं, तो हमें हर सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, हमें किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके कंप्लीट सिलेबस की, क्या क्या कंप्लीट सिलेबस है इसके अंदर, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे। मैं अगर कंप्लीट सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस मेरे पास हो जाएंगे इसके अंदर, मैं यहां पे लिख रहा हूं सिलेबस, अब सिलेबस के अंदर मेरे पास आ जाएंगे यहां पे। फर्स्ट इज मेमोरी इंटरफेसिंग, अब अगर मैं मेमोरी इंटरफेसिंग की बात करूं, तो चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, या आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम हो, अगर आप देखोगे तो मेमोरी इंटरफेसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो मेरे पास टर्म्स आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट दैट इज कैश मेमोरी। अगर मैं कैश मेमोरी की बात करूं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा ही, आपको दिखेगा ही एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो कैश मेमोरी मैपिंग के जो मेरे पास टाइप्स हैं, डायरेक्ट मैपिंग हुआ, फुली एसोसिएटिव, केवीएसएट एसोसिएटिव, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को जरूर मिलेगा। तो आप इस पर स्टार मार्क कर लेना कैश मेमोरी के ऊपर। साथ ही साथ सेकेंड आ जाएगा मेरा यहाँ पे मेमोरी हायरार्की का टर्म। मेमोरी हायरार्की के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे टू लेवल कैश के ऊपर क्वेश्चंस, थ्री लेवल कैश के ऊपर क्वेश्चंस। मेरा जो मेमोरी हायरार्की है टू लेवल के अंदर, क्या वो इंडिपेंडेंट है या वो हायरार्किकल है? थ्री लेवल के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट, हायरार्किकल या फिर इंडिपेंडेंट, ये हो गया। थर्ड मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, कि हम कैश को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स है, जैसे कि मेरे पास हो गया फीफो, LRU, MRU, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखेंगे को जरूर मिलेंगे। अब अगर आप कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात करें, तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यही टॉपिक की बात करूं, तो वहां पर मुझे मिलेगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑल दो जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बट वहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग के टर्म में बात करते हैं, यहाँ पे हम कैश में और मेमोरी ब्लॉक्स के टर्म में बात करेंगे। तो ये जो एल्गोरिथम्स है वहां भी देखने को मिलेंगे, और वही एल्गोरिथम सेम यहाँ भी है। तो ये मेरे पास थर्ड पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट मेरे पास आ जाएगा यहां पर कैश कोहरेंस एल्गोरिथम, कोहरेंस एल्गोरिथम ना बोल के हम इसको कैश कोहरेंस प्रॉब्लम बोल दे तो ज्यादा बेटर है, कैश कोहरेंस प्रॉब्लम। एंड फिफ्थ दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। अब अगर मैं कैश कोहरेंस प्रॉब्लम की बात करूं, तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा किस तरह से प्रॉब्लम वहां पे आते हैं। एंड लास्ट एंड फिफ्थ दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का टर्म ऑल्दो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम डिस्क शेड्यूलिंग की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहां पे सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है।
सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा कुछ टर्म्स, जैसे कि नंबर ऑफ ट्रैक्स, नंबर ऑफ सेक्टर्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रैक्स का एंड सेक्टर्स का। तो ये मेरे पास 1 से लेकर 5 पॉइंट है मेमोरी इंटरफेसिंग के अंदर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर। और अगर आप देखो इसको तो मेरे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 3 to 4 मार्क्स के एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। ये तो बात हुई मेमोरी इंटरफेसिंग की। अब मैं आता हूं सेकेंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस का। अब अगर मैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस की बात करूं तो हमारा प्रोग्राम जो रन हो रहा है, रन होने के साथ साथ अगर प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट इंटरफेस की जरूरत पड़ गई, किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई, तब वो इनपुट आउटपुट लेगा, अदरवाइज डायरेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहां पर जो टर्म आ रहा है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का, यहां पर मेरे पास टर्म आ जाएंगे पहला मेमोरी मैपिंग एंड आइसोलेटेड मेमोरी मैपिंग का। मीन्स अगर मैं कंट्रोल बस की बात करूं तो मेमोरी मैपिंग और आइसोलेटेड मेमोरी मैपिंग का वहां पे क्या रोल है वो हम बात करेंगे इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहां पे आ जाएंगे मेरे पास डेटा ट्रांसफर मोड का। अब डेटा ट्रांसफर मोड के अंदर मेरे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, एंड लास्ट दैट इज डीएमए, जिसको आप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के नाम से भी जानते हो। अब अगर मैं प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट और डीएमए की बात करूं तो हम यहां पे ये देखते हैं कि सीपीयू का कितना रोल है इन तीनों इनपुट आउटपुट के अंदर, मतलब इन तीनों ट्रांसफर मोड के अंदर। मतलब सीपीयू कितने टाइम तक इसके अंदर रहता है, कितने टाइम तक वर्किंग करता है, क्या वो थोड़ी देर तक रहता है या ज्यादा टाइम तक रहता है या फुल टाइम तक रहता है। अगर वो थोड़ी देर तक रहता है तो किस तरह से यूज करते हैं उसका, अगर वो ज्यादा टाइम तक रहता है या कोई अपने प्रोग्राम को किसी और को दे देता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो तीन टर्म का यूज हम इसके अंदर देखेंगे। एंड लास्ट सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। अब अगर मैं सिंक्रोनस की बात करूं तो सिंक्रोनस के अंदर हमारे पास ये देखने को मिलता है कि अगर मैं सेंडर से रिसीवर तक कोई डेटा को ट्रांसफर कर रहा हूं तो किसी एक क्लॉक पल्स का यूज कर रहा हूं, उसी क्लॉक पल्स का यूज करके रिसीवर वापस ट्रांसफर करता है डेटा सेंडर के पास। ठीक है, तो यहां पे हम एक क्लॉक की बात करेंगे, यहां पे एक से ज्यादा क्लॉक हो जाएंगे असिंक्रोनस के अंदर। और इसके अंदर जो दो टर्म्स आते हैं वो दो टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा मेरे पास स्टॉप कंट्रोल और दूसरा आ जाएगा मेरे पास हैंड शेकिंग का। ये दो टर्म क्या होते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, जब मैं इसकी बात करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये बात हुआ मेरे पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस का। और अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट मेरे पास हो जाएगा मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड का। अब अगर मैं मशीन इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर मेरे पास जो टर्म्स आते हैं फ्लैक्स, FLAGS फ्लैक्स, साथ ही साथ इंटरप्ट्स और इसके अलावा रिस्क वर्सेस सिस्क। फ्लैक्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स किस तरह से जनरेट होते हैं यहां पे, और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट दैट इज रिस्क वर्सेस सिस्क। अब अगर मैं रिस्क की बात करूं तो रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, सिस्क का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। वैसे अगर मैं सेमेस्टर एग्जाम की बात करूं, ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम में आपको यहां पे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, बट गेट और नेट के एग्जाम में डिफरेंस नहीं पूछता। अगर आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि उस डिफरेंस में जो कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड मैच द फॉलोइंग या फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे और गेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एड्रेसिंग मोड का, तो एड्रेसिंग मोड के अंदर मेरे पास जो टर्म्स आते हैं वो इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड का क्या होते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, रजिस्टर मोड क्या होते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड क्या होते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट मोड क्या होते हैं, ऑटो डिक्रीमेंट मोड क्या होते हैं, यहां तक अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं,
रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, यहाँ तक कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं। ये कुछ एड्रेसिंग मोड के टर्म है, जब मैं इसकी बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुआ थर्ड पॉइंट का। अब मैं बात करूंगा फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट यहां पे क्या हो सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं ALU डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ALU के अंदर आपको पता है ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। साथ ही साथ अगर मैं डेटा पाथ की बात करूं, डेटा पाथ का यूज क्या करते हैं, डेटा पाथ का यूज हम करते हैं डेटा फ्लो के अंदर। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो रजिस्टर के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, रजिस्टर के जो टाइप्स होते हैं मेरे पास, इनपुट रजिस्टर का, आउटपुट रजिस्टर का, यहां तक कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का। साथ ही साथ अगर मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इंस्ट्रक्शन को हम किस तरह से फेच कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को हम किस तरह से डिकोड कर सकते हैं, ये सारे टर्म मुझे देखने को मिलेंगे डेटा पाथ के अंदर। अब अगर मैं कंट्रोल यूनिट की बात करूं तो कंट्रोल यूनिट के अंदर मेरे पास जो टर्म्स आएंगे, यहां पे दो टाइप के टर्म्स आते हैं। एक हो जाएगा मेरे पास माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम की बात करूंगा, और दूसरा मेरे पास आ जाएगा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का। इन दोनों में डिफरेंस आपको सेमेस्टर के एग्जाम में मिलेंगे देखने के लिए, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ गेट के एग्जाम में डिफरेंस नहीं पूछता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया है गेट के अंदर, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो बताऊंगा ये क्या होते हैं, और वो न्यूमेरिकल जो पूछा गया है उसको भी आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, ये बात किया मैंने फोर्थ पॉइंट का। अब अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट का, फिफ्थ पॉइंट मेरे पास हो जाएगा नंबर सिस्टम्स। अब अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको देखने नहीं मिलेगा कि यहां पे नंबर सिस्टम बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो नंबर सिस्टम्स एंड, इसको मैं सिंपल वे में लिख सकता हूं, नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्जेंस। तो यहां तक हो गया नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जेंस। अब नंबर सिस्टम के अंदर हम बात करें बाइनरी टू ऑक्टल हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो ये कुछ टर्म्स है, जब मैं इसकी बात करूंगा तो आपको बताऊंगा, काफी सिंपल टर्म है जिसका हम यूज करते हैं इसलिए। ठीक है, अब अगर मैं सिक्स पॉइंट की बात करूं तो सिक्स पॉइंट मेरे पास आ जाएगा डेटा रिप्रेजेंटेशन का। अब यहां पे डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, अगर हम बात करूं वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, तो वो वाला टर्म जो आएगा मेरे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर आएगा। इसके अलावा दो पॉइंट और है इसके अंदर, एक हो जाएगा फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा हो जाएगा मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट का टर्म। ऑल्दो अगर मैं बात करूं फिक्स्ड पॉइंट का, ये थोड़ा सिंपल टर्म है, बट अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा ट्रिकी है, तो स्टूडेंट्स को कई बार इसमें डाउट आता है कि फ्लोटिंग पॉइंट को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो जब भी मैं बात करूंगा फिक्स्ड और फ्लोटिंग का तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर, क्योंकि अगर मैं पाइप प्लानिंग की बात करूं तो पाइप प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अब पाइप प्लानिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे पास जो देखने को मिलेंगे वो मिलेगा आपको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या होते हैं। साथ ही साथ यहां पे आपको पूछा जाएगा स्टॉल्स, मीन्स पाइपलाइनिंग में स्टॉल्स कब क्रिएट होते हैं, उसके बाद पाइपलाइनिंग के अंदर जो ब्रांचिंग कंडीशन है उसका हम यूज किस तरह से करते हैं, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज हैजार्ड्स। पाइपलाइनिंग में हैजार्ड्स कब आते हैं, तो ये मेरा कुछ कॉन्सेप्ट हो गया पाइपलाइनिंग का, जिससे ये कुछ टर्म्स है चार टर्म्स जिसके अंदर आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यहां पे अगर मैं हैजार्ड्स की बात करूं तो रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड, ठीक है, कुछ टर्म्स है जिसको मैं जब हैजार्ड्स की बात करूंगा तो बताऊंगा उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट से लेकर सिक्स सेवन तक, ठीक है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस उसमें जो टर्म्स हैं उसी को रिपीट किया गया है कई बार, तो बस इन सात पॉइंट को हमें इजिली स्टडी करना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, तो यहां पे आप देखो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ऑलवेज 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हम बस यही, इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो काफी थोड़ी ट्रिकी टर्म्स हैं,
उस टर्म की वजह से हम ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और हमारा 8 to 10 मार्क्स का नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको अच्छे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छे नंबर से स्कोर करना है तो हमें इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ अगर मैं बुक्स की बात करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि सर इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक ज़्यादा बेस्ट होगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं बुक्स की बात करूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक्स, तो जो मेरे पास बुक्स बुक के नाम है, पहला आ जाएगा एमेचर की बुक आती है, साथ ही साथ मॉरिस मैनो की बुक आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पॉल चौधरी, और भी कई राइटर हैं, जैसे अगर मैं बात करूं विलियम स्टेलिंग्स का, तो इसमें से अगर मैं सिंपल टर्म, क्योंकि जो वर्डिंग प्रॉब्लम आती है वो तो कई राइटर की बुक में आपको देखने को जरूर मिलेगी, अगर मैं सिंपल टर्म की बात करूं तो आपको एमेचर और मॉरिस मैनो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है, आप स्टडी कर सकते हो इजिली। बट अगर आप पॉल चौधरी की बात करो, ये भी काफी बेस्ट बुक है, बट एक तरह से ये तो प्रोफेसर है IIT के, आपको मालूम है, और पॉल चौधरी की जो बुक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेटर है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वहां पे जो पॉल चौधरी जो हमारे पास राइटर है, उन्होंने जो वर्ड का यूज किया ना, डिजिटल वाला पार्ट इनके बुक के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी ये बेटर होगा, बट अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो कुछ टर्म्स आप वहां से यूज कर सकते हो, बाकी ये दो बुक आपके लिए सबसे बेटर है, ठीक है। तो ये तो बात हुई बुक्स की और ये बात हुई मेरे पास कंप्लीट सिलेबस की। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा मेमोरी इंटरफेसिंग क्या होते हैं और जो पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कैश मेमोरी का, उसको किस तरह से यूज करते हैं। हम एक एक लाइन करके यहाँ से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक पहुंचेंगे हजार्ड्स तक, ठीक है, और काफी सिंपल और इजी वे में मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट होते क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। थैंक यू सो मच।